अब हम दो इंसानों को कंपेयर कर रहे थे, एक को हमने खुला एनवायरनमेंट दिया हुआ है, बहुत सारी चीज़ें उसे कोई भी ये नहीं है, प्रिकॉशंस के जरिए दी गई हैं कि आपने सिर्फ एक ही चीज़ पे डिपेंड रहना है, एक ही टाइप की चीज़ खानी है, और दूसरा वो इंसान है जिस पर एक ही टाइप की चीज़ पे डिपेंड किया गया कि आपने इसके अलावा तो कोई और चीज़ खानी नहीं है। तो मेरे ख्याल से दोनों में सिर्फ वो इंसान ज़्यादा अच्छे से सर्वाइव कर सकेगा जिसको हमने एक इन्वायरमेंट दिया है कि आपने जो भी आपका दिल करे आपने खाना है, अपने आप को आपने प्रोटेक्ट कर से करना है एनिमीज से, या हर चीज़ उसने खुद ब खुद सीखी है, वो ज़्यादा अच्छे से सर्वाइव कर सकेगा। इस तरह हमारे पास वाइल्ड स्पीशीज़ का हिसाब है कि अगर हम उसमें कॉकरोचेज़ को ले लें, कॉकरोचेज़ हर टाइप के फूड पर डिपेंड कर सकते हैं, मतलब वो हर तरह के, वो उनके इंडेंजर्ड होने का खतरा नहीं, वो हर तरह के फूड पर फूड को खा सकते हैं या अपने आप को ज़िंदा रख सकते हैं, वो सर्वाइव कर सकते हैं। लेकिन अगर दूसरे एनिमल्स को ले लें जिनको लिमिटेड इन्वायरमेंट दिया गया है, तो उनके लिए मुश्किल होगा दूसरे फूड पर डिपेंड करना या दूसरे फूड को के ज़रिए अपने आप को ज़्यादा अच्छे से ज़िंदा रहने के लिए। अब हमने नेक्स्ट देखने हैं स्पीशीज़ विद द लो रिप्रोडक्टिव रेट। जैसे पीछे भी हमने पढ़ा है कि इनमें जनरेशन वेरिएशन बहुत कम होती है। मैनी लार्ज स्पीशीज़ हैव अ वेरी लो रिप्रोडक्टिव रेट्स, कहते हैं जो बहुत ज़्यादा लार्ज स्पीशीज़ हैं उनका रिप्रोडक्टिव रेट बहुत कम होता है। बिकॉज द मोर्टेलिटी रेट्स ऑफ देयर ऑफस्प्रिंग वाज लो। अब लार्ज रिप्रोडक्टिव रेट के हवाले से हमारे दिमाग में सिर्फ एक एनिमल्स का जिक्र आता है, एलिफेंट। एलिफेंट गिव वन ऑफस्प्रिंग इन 40 to 50 years। सो इट्स मीन कि अगर इसकी एक भी स्पीशी, या हम ये कह सकते हैं कि इसकी स्पीशीज इंडेंजर्ड में आ जाए, तो इसके हिसाब से बहुत ज़्यादा लॉस होगा, क्योंकि इसकी जो अपने आप को इसका रिप्रोडक्टिव रेट है 40 to 50 years है। अगर हम इसकी रेशियो देखें ना, 40 to 50 years इसको होते हैं इसका रिप्रोडक्ट। एलिफेंट्स गिव नो ऑफस्प्रिंग इन 40 to 50 years। सो इट्स मीन कि इसकी वन जनरेशन को 40 to 50 years के लिए इसका होगा। तो अगर इसका रिप्रोडक्टिव रेट इतना स्लो है, तो अगर ये इंडेंजर्ड में आ गए, तो इसका बहुत ज़्यादा खतरा होगा। अब नेक्स्ट उन्होंने कहा है कि स्पीशीज़ डेट आर इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंट। बहुत सारी स्पीशीज़ हैं जो हमारे पास इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंट है। इनमें आ जाएंगे हमारे पास एलिगेटर, स्नेक फॉर देयर हाइड्स, उसके अलावा टाइगर्स एंड बियर्स को यूज़ करते हैं हम एज अ फॉर, एलिफेंट और राइनोज को हम यूज़ करते हैं एज अ टस्क, एंड ऑस्ट्रिचेस एंड क्रेन्स फॉर देयर फीदर एंड सेल्स एज अ पेट्स। सो दैट्स ऑल, ये हमारे पास करैक्टरिस्टिक्स हैं एंडेंजर्ड स्पीशीज़ के हवाले से। अब हमने देखने कि इसके कौन से रीजंस ऐसे हैं जिसकी वजह से ये इंडेंजर्ड हो रही है। नेक्स्ट अब हमने देखना है इसके इंडेंजर्ड होने के एस्पेक्ट्स, कौन से एस्पेक्ट्स हैं जो इंडेंजर्ड होने का सबब बन रहे हैं। इनमें सबसे पहले है ह्यूमंस, कि ह्यूमंस बहुत ज़्यादा रोल अदा कर रहे हैं। कि अगर हम कहें ना कि इसके इंडेंजर्ड स्पीशीज़ होने के हवाले से सबसे ज़्यादा कौन इसको कर रहा है कि इसके इंडेंजर्ड हो, इसके इन्वायरमेंट को डिस्टर्ब कर रहा है, वो है ह्यूमंस। ह्यूमंस कैसे कर रहे हैं, कट डाउन ट्रीज अपने जो उनके अब सर्वाइवल के लिए। अब किसी भी जगह पे, अब जहाँ पे हम रहते हैं एक जगह है, अब इधर बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन तो नहीं थी, अब जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ने लग गई, ट्रीज़ को उन्होंने कट करने स्टार्ट हो गए, अपने सर्वाइवल के लिए उन्हें ज़्यादा जगह की ज़रूरत हो गई, इसलिए ह्यूमंस को सर्वाइवल के लिए ज़्यादा जगह की ज़रूरत के लिए उन्होंने अपने ट्रीज़ को कट करना स्टार्ट कर दिया, इसलिए बहुत सारी स्पीशीज़ का जो इन्वायरमेंट था वो ख़राब हो गया। कट डाउन ट्रीज़, बिल्ट होम, बिल्ट रोड्स। इसके अलावा पोल्यूशन, जितनी ज़्यादा आबादी होगी इसी तरह पोल्यूशन भी बढ़ेगी, इसमें वाटर पोल्यूशन, ऑयल स्पिल्स, थ्रोइंग ट्रैश ऑन द ग्राउंड। इसके अलावा हंटिंग एंड फिशिंग, मतलब ह्यूमंस के बाद जो थोड़ी बहुत कसर रह जाती थी वो हंटिंग एंड फिशिंग के ज़रिए पूरी हो गई है स्पीशीज़ के इंडेंजर्ड होने में। इनमें आ जाएंगे पीपल हंट फॉर अ फन, कि अपने फ़न के लिए भी स्पीशीज़ को हंट किया जाता है, क्योंकि एक बहुत सारे लोगों की एक हॉबी है हंटिंग, और उन्हें ये नहीं पता कि इस हॉबी की वजह से बहुत सारी स्पीशीज़ का जो इन्वायरमेंट है वो डिस्टर्ब हो रहा है। पीपल हंट फॉर मीट, पीपल हंट फॉर फर। इसके अलावा हमारे पास एक्सोटिक स्पीशीज़, एनिमल्स किल ईच अदर और एनिमल्स गिव ईच अदर डिजीज़। सो इसकी वजह से भी बहुत सारी स्पीशीज़ इंडेंजर्ड हो रही हैं। ये सिर्फ जनरल से एस्पेक्ट से जो इसके स्पीशीज़ के इंडेंजर्ड होने का सबब बनते हैं। इसके अलावा जो मेजर थे वो हैबिटेट लॉस, इन्वायरमेंट डिस्टर्बेंस, और इसके अलावा उसके लिमिटेड रिसोर्स, ये करैक्टरिस्टिक्स ही उसकी रीजन्स में आ जाती है कि कौन से रीजन्स हैं जो स्पीशीज़ के इंडेंजर्ड होने का सबब बन रहे हैं। सो डैट्स ऑल।